हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शासक के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था और जिसको कि स्पेशली हिंदुओं के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं माना जाता। तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती जीवन के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरीके से उसने अपने शासन को संभाला, उसके द्वारा लड़ी गई मेन मेन लड़ाइयों के बारे में बात करेंगे, उसका हिंदुओं के साथ किस तरीके का बर्ताव था इसके बारे में बात करेंगे, उसके द्वारा कराई गई कुछ मेन कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रानी पद्मावती के बारे में भी और आखिर में ये भी बात करेंगे कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस काम को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआती जीवन के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इतिहासकारों के पास नहीं है, पर फिर भी ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म लगभग 1266 से लेकर के 1267 के बीच कहीं पर हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो असली नाम था, जो बचपन का नाम था, वो अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शही हाबुद्दीन मसूद था और अलाउद्दीन खिलजी के पिता की मृत्यु के बाद उसके जो चाचा थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो उसको जो है अपने साथ लेकर आ गए थे। और अपने साथ लाकर के जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीरे तुजुक की यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज की जो है एक उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी के तीन भाई थे जिनका नाम था उलुग खान, कुतलुग खान और मोहम्मद। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो मेन हमें इन्फॉर्मेशन है वो जोधपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी की शादी उसके चाचा जलालुद्दीन की बेटी मलिका जहान के साथ हुई थी। उसकी जो शादी थी एक बहुत खुश शादी नहीं थी, क्योंकि जो जलालुद्दीन की बेटी मलिका जहान थी, कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और बहुत ज्यादा डोमिनेट करना चाहती थी अलाउद्दीन को, बहुत ज्यादा घमंडी लड़की थी वो। उसके पिता जलालुद्दीन के अचानक से सुल्तान बन जाने के बाद उसकी बेटी मलिका जहान में काफी घमंड आ गया था और इसी कारण से जो है इनकी शादी एक अच्छी शादी नहीं मानी जाती थी। और उसके बाद अलाउद्दीन ने बाकी शादियां भी की, पर वो अपनी मलिका जहान से की गई शादी से खुश नहीं था। और सन 1291 की बात है कि जब गवर्नर ऑफ कारा ने, कारा का जो गवर्नर था जिसका नाम मलिक चज्जू था, उसने जो है जलालुद्दीन के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया था। और उस रिवोल्ट को, उस विद्रोह को शांत कराने के लिए ही जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर भेजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर के वहां उस रिवोल्ट को शांत कराया और उसी के इनाम के रूप में जो है जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को कारा का नया गवर्नर घोषित कर दिया था। और कारा का नया गवर्नर बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ के जो आमिर थे, जो वहाँ के बड़ी पोजीशन वाले जो लीडर थे, उन लोगों ने जो है उकसाना चालू किया कि वो जो है जलालुद्दीन को उसकी कुर्सी से हटवा दे, क्योंकि जो आमिर थे वहाँ पर, मलिक छज्जू के आमिर जो थे, वो जलालुद्दीन को एक कमजोर बादशाह माना करते थे। और उसी बात के उकसाने में जो है अलाउद्दीन खिलजी आ गया और उसने एक बात को ठान लिया कि मैं अब जो है जलालुद्दीन को उसकी गद्दी पर से हटवा दूंगा। पर जलालुद्दीन को वहां से हटा करके खुद उस शासन पर आने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती और उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भिलसा के ऊपर जो है एक रेड को किया, एक आक्रमण को किया और वहां से उसने एक बहुत बड़ी लूट जो है अपने कब्जे में कर ली। पर जब उसने भिलसा को लूटा तब उसे वहां पर ये बात पता लगी कि इससे ज्यादा पैसा जो है, इससे ज्यादा धन संपत्ति जो है वो देवगिरी में है। तो उसने एक और प्लान को बनाया। उसने क्या किया कि उसने जो लूट उसने भिलसा से हासिल की थी वो लूट जो है उसने जलालुद्दीन को दे दी। और जलालुद्दीन उस बात से बहुत खुश हुआ और उसको खुश होकर के ही जो है जलालुद्दीन ने अरीज़े मामलिक की जो है उपाधि दे दी। अरीज़े मामलिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर, यानी कि जो युद्ध होते थे उनके ऊपर मंत्री जो है जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। और उसके साथ ही साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी को उसने अवध का गवर्नर भी घोषित कर दिया था। और इसी के साथ जो है अब अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ गई थी और उस पावर का इस्तेमाल करके अलाउद्दीन खिलजी ने जो है देवगिरी के ऊपर सन 1296 में आक्रमण किया और एक बहुत बड़ी लूट जो है उसने वहां देवगिरी से अपने पास इकट्ठा कर ली। और जब देवगिरी से हासिल की गई लूट के बारे में जलालुद्दीन को पता लगा तो उसे लगा कि जो अलाउद्दीन है ये लूट भी जो है जलालुद्दीन को ही दे देगा। पर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया और जब जो है जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए आया तब उसने जलालुद्दीन को गले मिलने के बहाने से अपने पास बुलाया और उसको वहीं पर मार डाला। और अब जलालुद्दीन को मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 21 अक्टूबर सन 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत का एक नया सुल्तान बना। और ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। पहला सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और दूसरा सुल्तान बना अलाउद्दीन व दिन मोहम्मद शाह उस सुल्तान,
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट जो है उसको मिले, और पब्लिक की सपोर्ट लेने के लिए ही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ बातों की अनाउंसमेंट जो है अपने शासन में करा दी। और उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स, ज्यादा से ज्यादा जो है आर्मी में वहां पर भर्तियां की जाए। और अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी ज्यादा भर्तियां की, उसने कहा कि कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा और कोई बैकग्राउंड चेक भी नहीं होगा, जो चाहता था वो उस समय में आर्मी में भर्ती हो सकता था। और अपने आप को बड़ा उदार साबित करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने 5 मन सोने के टुकड़े कारा की जनता के सामने फिकवा दिए थे, और कारा की जनता ने उस सोने को बटोरा था। और ये सब उसने इसलिए किया था क्योंकि जब वो दिल्ली जाए तब जाकर के लोग उसको बड़ा उदार समझे और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट उसको मिले, ताकि उसको अपने शासन को आगे चलाने में कोई समस्या ना आए। और आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए शासन में कुछ बदलावों के बारे में। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, उसने अपने शासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे रिफॉर्म्स को कराया। और आइए उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। ये वो बदलाव थे जो उसने अपने शासन में ज्यादा से ज्यादा पैसा लाने के लिए किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के शुरुआती समय में बहुत सारे हिंदुओं ने बहुत सारे रिवोल्ट किए, बहुत सारे विद्रोह किए, और उन विद्रोहों को जड़ से खत्म करने का एक उपाय जो है अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में आया। और उसने ये सोचा कि अगर इनके पास खूब पैसा होगा, खूब लग्जरी होगी और ये अच्छे से जी रहे होंगे, तो इनके मन में कहीं ना कहीं विद्रोह का ऑप्शन आएगा। पर इसने सोचा कि इनसे ये सब कुछ छीन लिया जाए ताकि इनको केवल 2 वक्त की रोटी ही कमाने में बड़ी मुसीबत आ जाए, तो ये जो है विद्रोह के बारे में ज्यादा सोच ही ना पाए। और ऐसा ही उसने अपने शासन काल में किया भी। उसने जो है अपने सभी दरबारियों से और जो बड़े बड़े रईस थे उसके शासन काल के, उनके सभी प्रॉपर्टीज जो थी वो जब्त कर ली थी। जो भी जमीन के ठेके उनको दिए गए थे वो सब भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कैंसिल करा दिए थे। और ऐसा सब वो इसलिए करा रहा था ताकि सभी लोग जो है उसके शासन के केवल अपने पेट भरने के बारे में सोचें, विद्रोह का ख्याल उनके मन में भी ना आए। और जो कुछ भी उपज वहां पर खेती बाड़ी से होती थी, उस उपज पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक का टैक्स लगा दिया था, जिसको कि हम खराज के नाम से जानते हैं। और ये जो टैक्स है लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। और इसी के साथ साथ टैक्स कलेक्ट करने के बीच में कोई भी आदमी दलाली ना करे, कोई बीच का बंदर ना रहे जिससे कि टैक्स कम हो जाए, उसने बीच के सभी लोगों को जो है रास्ते से हटा दिया और वो डायरेक्ट उपज करने वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा किया करता था। और अपने शासन काल में हिंदुओं को और दबाने के लिए उसने हिंदुओं के लिए घोड़े की सवारी करना भी बैन कर दिया था, यानी कि उसके राज्य में कोई भी हिंदू अपने पास घोड़ा नहीं रख सकता था, वो एक अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं पहन सकता था, या फिर किसी भी तरह की लग्जरी जो है हिंदू व्यक्ति को करने के लिए अलाउ नहीं था। और खराज टैक्स के साथ साथ ही उसने और भी कई सारे टैक्स ने एडमिनिस्ट्रेशन में लगा दिए थे, जैसे कि चराई एक टैक्स था जो कि जानवरों को चराने के लिए भी चरवाहों को देना पड़ता था। अगर वो सरकारी जमीन पर अपने जानवर चराते हैं तो उनको जो है चराई टैक्स देना पड़ता था। और उसने अपने शासन काल में हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि घराई के नाम से कहते हैं, यानी कि उसके शासनकाल में यदि किसी के पास प्रॉपर्टी है, कुछ लैंड है, तो उसके ऊपर भी व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता था। उसके साथ साथ उसने हिंदुओं के लिए जजिया टैक्स को भी लगाया और मुसलमान लोगों के लिए जकात को भी देना उसने कंपलसरी कर दिया था। और इसी के साथ साथ ही जो लूट के सिपाही लाते थे, कहीं पर भी वो युद्ध करते थे और जहां से लूट मिलती थी, तो उसका जो है 1/5 ऑफ द पोर्शन जो है सिपाही को, सैनिक को, राजा को देना पड़ता था, तो उसने उसको भी बढ़ा करके 1/4 कर दिया था। यानी अब यदि कहीं पर भी लूट की जाएगी तो उसका 1/4 भाग राजा को दिया जाएगा। और आइए बात करते हैं कि उसने जो बाजार में, मार्केट के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए, जो बदलाव लाए, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उसने एक प्राइस कंट्रोल को बाजार में लागू कर दिया था। और बहुत से इतिहास कारों का मानना है कि उसने जो प्राइस कंट्रोल लागू किया था वो इसलिए था क्योंकि जो सैलरी अलाउद्दीन खिलजी सिपाहियों को दिया करता था वो बहुत कम होती थी, और उस कम सैलरी में ही लोगों का गुजारा हो जाए, चीजों के दाम ना बढ़ें, इसके लिए उसने जो है प्राइस कंट्रोल की नीति को भी अपने शासन में लागू किया था। और कोई भी जन प्राइस कंट्रोल की नीतियों को ना तोड़े, उसके लिए उसने जो है कई सारे सुपरवाइजर भी जो है बाजार में भेज दिए थे। और सुपरवाइजर के साथ ही बहुत सारे स्पाई भी, बहुत सारे जासूस भी उसने बाजार में छोड़ दिए थे कि कोई भी जो है दुकानदार किसी भी चीज का जो प्राइस है वो निर्धारित प्राइस से ज्यादा ना बढ़ा दे, और अगर कोई भी उनको जो है उन प्राइस में जो कि फिक्स किए गए थे उनसे ज्यादा कोई यदि मांगता है या फिर तोल में अगर कोई गड़बड़ करता था तो उसके लिए उस व्यक्ति को बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। और इसी के साथ साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने काला बाजारी को भी अपने शासनकाल में बंद करा दिया था, यानी कि अब उसके शासनकाल में कोई भी जन जो है
किसी भी तरीके के अनाज को या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को स्टोर नहीं करके रख सकता था या उसको स्टोर करके और बढ़ा करके दाम में नहीं बेच सकता था। तो काला बाजारी भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बंद हो गई थी। और आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराए गए सैन्य बदलावों के बारे में, यानी कि जो मिलिट्री रिफॉर्म्स उसने अपने शासनकाल में किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को अपने साथ रखा। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब था ऐसे सोल्जर्स, ऐसे सिपाही जिनको की सैलरी दी जाती थी, हर महीने के हिसाब से उनको सैलरियां दी जाती थी। और सिपाहियों को सैलरी देना भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया। और इसी के साथ साथ एक और सिस्टम को उसने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था हुलिया दाग प्रथा। और उस प्रथा के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था कि जो भी सिपाही, जो भी सैनिक सेना में भर्ती किया जाता था, उस सैनिक का एक स्केच बनाया जाता था और उस स्केच को उस सैनिक को हमेशा अपने पास रखना होता था। और ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि कई जो लोग थे वो सेना में भर्ती हो जाते थे और हर मंथली बेसिस पर सैलरी भी लेते थे, पर जब युद्ध का टाइम आता था तो वो अपनी जगह पर किसी और को लड़ने के लिए भेज देते थे। और इसी बात को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया दाग प्रथा को स्टार्ट किया, जिसमें हर एक सैनिक अपने पास एक अपना पूरा डिस्क्रिप्शन, फेशियल डिस्क्रिप्शन रखा करता था। और इसी के साथ साथ कोई घोड़े ना बदल दे उसके, अलाउद्दीन खिलजी के, इसीलिए उसने जो है घोड़ों पर भी मोहर लगवाना चालू कर दिया था। और आइए बात करते हैं एक बड़े ही खास आदमी के बारे में जिसका कि नाम अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, जिसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर जो था वो एक हिंदू किन्नर गुलाम था। और ऐसा हमें बताते हैं 14वीं शताब्दी के इतिहासकार इसामी। उनके अकॉर्डिंग जो मलिक काफूर था वो एक हिंदू था जो कि किन्नर भी था और उसके के साथ साथ गुलाम भी था। और मलिक काफूर को ही हजार दिनारी भी कहा जाता है। और उसको ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसको हजार दिनार दे करके खरीदा गया था। और अब इस मामले में भी लोगों के दो मत हैं। कई लोगों का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो मलिक काफूर है वो गुजरात के मिशन के बाद बंदी बना करके लाया गया था, पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर के खरीदा था। पर जिस भी तरीके से मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आया, तो जब मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका इस्लाम में कन्वर्जन करा दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर ने बहुत बड़े बड़े पद जो है हासिल किए, जैसे कि मिलिट्री कमांडर उसको बनाया गया, वाइस काउंसलर उसको बनाया गया। और अपने अंतिम समय में मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने वायसराय यानी कि नायब की उपाधि भी दे दी थी। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि लोगों का मानना था कि जो मलिक काफूर था वो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति था, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था और साथ ही साथ उसकी जो कद काठी थी, उसका जो शरीर था, उसके अकॉर्डिंग भी वो बिल्कुल फिट था। और मलिक काफूर को लेकर के ही लोगों का ये भी मानना है कि मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी का एक तरह का सेक्सुअल रिश्ता भी रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से बेहद प्यार किया करता था और इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी को कई लोग जो हैं बायसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल भी मानते हैं। और आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लड़े गए कुछ फेमस युद्धों के बारे में। तो सन 1297 में मंगोलियों ने जब पंजाब के ऊपर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने 6 फरवरी सन 1298 में उनकी सेना को हरा दिया और वहां पर जीत हासिल की। उसके बाद सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूक खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और गुजरात पर आक्रमण करके इन दोनों ने, उलूक खान और नुसरत खान ने, बहुत सारा धन जो है वहां से लूटा और उसमें की सोमनाथ मंदिर भी वहां पर इंक्लूडेड था। और जब वो वहां से लूट लेकर के आ रहे थे तब ये भी बताया जाता है कि बहुत से सिपाहियों ने, सैनिकों ने वो लूट भी जो है राजा को देने से मना कर दिया था या उसमें थोड़ी बहुत घपलेबाजी कर दी थी। तो उसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दी थी कि उनके परिवार वालों को उसने उनके सामने ही मरवा डाला था। उसके बाद फिर सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूक खान और नुसरत खान को रणथंभौर के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसको कि उन्होंने जुलाई के महीने में सन 1301 में अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी खुद सन 1302 से 1303 के बीच में चित्तौड़ में आक्रमण करने के लिए गया था। और चित्तौड़ में आक्रमण करने के लिए वो इसलिए गया था क्योंकि वहां पर एक रानी थी जिसका नाम था पद्मावती और उसको जो है वो हासिल करना चाहता था। और 8 मंथ तक चली उस लड़ाई में, उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की वहां पर जीत हुई। और इसी युद्ध से संबंधित जो कहानी है रानी पद्मिनी या फिर जिसको हम पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो रानी पद्मावती जो है बहुत ही सुंदर रानी थी और अलाउद्दीन खिलजी जो है पद्मावती को हासिल करना चाहता था और इसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ के
ऊपर आक्रमण को भी किया था, जो कि लगभग 8 महीने तक चला था। पर कहा यह जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, रानी पद्मावती को कभी हासिल नहीं कर पाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के वहां पर पहुंचने से पहले ही रानी पद्मावती ने बाकी और रानियों के साथ मिलकर के अपने आप को जौहर कर दिया था। यानी कि वो सभी जो है रानियां वहां पर आग में कूद करके अपनी जान दे चुकी थी। और इसी के साथ साथ जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में ही 30,000 हिंदुओं की भी हत्या करवा दी थी। और उसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, जैसे कि उसने 1304 में दूसरा आक्रमण जो है गुजरात के ऊपर कराया। कुछ लोगों का मानना है कि ये दूसरा आक्रमण जो है उसने वहां पर के हिंदू मंदिरों को या फिर हिंदुओं को जो है सताने के लिए कराया था। उसके बाद 1305 में उसने मंगोलियों को एक बार फिर से हराया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को पहले लूटा था, तो उसको पता लगा कि देवगिरी में बहुत सारा धन और दौलत जो है अभी भी है। तो उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में फिर से देवगिरी पर आक्रमण करवाया और फिर से वहां से उसने देवगिरी को लूटा। और देवगिरी को लूटने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक बात समझ में आई कि जो साउथ है, इंडिया का साउथ है, उसमें बहुत ज्यादा धन है। तो उसी चक्कर में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ के ऊपर भी बहुत सारे आक्रमण किए, बहुत सारे युद्ध किए और बहुत सारा धन जो है उसने साउथ इंडिया से अपने पास लेकर के आया। और मशहूर कोहिनूर हीरे को भी उसका गुलाम मलिक काफूर जो है साउथ से ही लेकर के आया था, जो कि उसने जीता था वारंगल से, जहां के राजा प्रताप रुद्रा ने हार करके वो हीरा मलिक काफूर को दिया था। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम था मलिक काफूर, जब रामेश्वरम तक पहुंच चुका था और जब रामेश्वरम पहुंचकर उसको आगे केवल पानी ही पानी दिखाई दिया, तो उसने इस बात की घोषणा की कि हमने पूरा जो है जहान अब अपने कब्जे में कर लिया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा कि उसने पूरे जहान को अपने कब्जे में कर लिया है, तब उसने अपने आप को सिकंदरे सानी की उपाधि दी। सिकंदरे सानी का मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को लेफ्ट वाले मैप से लेकर के राइट वाले मैप तक बढ़ा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि एक कितने बड़े हिस्से को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और आइए अब कुछ प्रसिद्ध आर्किटेक्चर जो उसने बनवाए, कुछ प्रसिद्ध इमारतें जो उसके द्वारा बनाई गई, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में हौज खास नाम के तालाब को बनवाया, उसने जो है सीरी के किले को बनवाया, साथ ही साथ उसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे को और अलाई मीनार को भी बनवाया। अलाई मीनार जो है अधूरी रह गई थी, पर अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना था वो ये था कि ये कुतुब मीनार से भी बड़ी एक मीनार को बनाए, जिसका काम शुरू हो गया था पर उसके काम को वो खत्म नहीं करवा पाया था। और आइए बात करते हैं उसके हिंदुओं के साथ के बर्ताव के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का मानना ये था कि हिंदू जो है कभी भी जो है आज्ञाकारी तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसको गरीबी तक हम नीचे ना लेकर के आ जाए। और इसी कारण से उसने जो है बहुत सारे हिंदू मंदिरों को भी, जैसे कि उसने 1292 में भिलसा में मंदिर को लूटा, फिर उसने देवगिरी में, विजयपुर में, सोमनाथ, जैन, चिदंबरम और मदुराई में इतने सब मंदिरों को लूटा और कई जगह जाकर के उसने मंदिरों को अपवित्र भी किया। और आइए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी की मौत जो है 4 जनवरी सन 1316 में हुई। और अलाउद्दीन खिलजी की मौत के पीछे का कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी को कुछ बीमारी हुई थी और उस बीमारी के चलते ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई। पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि शायद से जो है उसको उसके गुलाम मलिक काफूर ने ही मारा था। कई लोगों का ये मानना है, पर कई लोगों का ये भी मानना है कि किसी बीमारी के कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। तो यही थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।